Good morning, students. Today we will be starting with our new chapter, that is the Southern Plateau. A plateau is an area of flat land and that is higher than the area around it. It is called the tableland. It has a rocky and uneven surface. So, plateau कैसा area होता है? Plateau जो होता है, जो plain से थोड़ा सा ज़्यादा elevated area होता है. Elevated मतलब थोड़ा सा ऊँचा area होता है, उसे हम लोग plateau कहते हैं. और क्योंकि उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो flat होता है, table की तरह flat होता है, that is why it is also known as table land. How is the structure of a plateau? A plateau has a rocky and uneven surface. जो surface होता है वो ऊबड़ खाबड़ होता है और वो basically these are formed by big rocks. ठीक है. Now talking about this chapter. This chapter deals with the Southern Plateau. Southern Plateau के बारे में हम लोग इस chapter में सीखेंगे और सबसे पहली बात है Southern Plateau कौन से side में होगा. Most probably Southern Plateau जब हम बात करते हैं south direction आता है नीचे की तरफ. तो जब हम लोग इस चैप्टर की बात करें या सदर्न प्लेट्यू की बात करें तो सदर्न प्लेट्यू कहाँ पर होगा? सदर्न प्लेट्यू विल बी इन द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, सी द लाइन. द सदर्न प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंडिंग अप टू कन्याकुमारी द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. सो वो साउथ की तरफ होता है नॉर्दर्न प्लेन्स के और उसका वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? कन्याकुमारी तक. एंड वी ऑल नो दैट कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. नाउ द नेक्स्ट लाइन. द सदर्न प्लेट्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स इन इंडिया. इट कवर्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री. एज यू विल लुक एट द फोटोग्राफ्स यू विल ऑब्जर्व दैट द प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाई हिल्स. ठीक है. सो आप यू कैन लुक इन द मैप हियर. सो आपको क्या दिख रहा है कि दीज प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाई मैनी हिल्स. The Aravalli Hills surrounds them towards the northwest. See in the states of Rajasthan, वहाँ आप देखिए, you will see Aravalli Hills are there. So the Aravalli Hills surrounded towards the northwest. The Raj Mahal east to hills towards the northeast. The western and eastern side is surrounded by the Deccan Plateau. Okay. Side of the Deccan Plateau is surrounded by the western and eastern ghats. So we came to know that हमारा जो northwest part में है we have Aravalli Hills, in northeast we have Raj Mahal Hills and we have the western as well as eastern ghats. You can see the yellow lines there, western and the eastern ghats which are surrounded which surround the Deccan Plateau towards the west and the eastern साइड्स. इज दैट क्लियर? और फेमस हिल्स जो हैं वेस्टर्न घाट्स के दैट आर द वेस्टर्न घाट्स हैज़ फेमस हिल्स दैट आर सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स. ओके. द सदर्न प्लेट्यू रीजन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. दैट इज इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स बाई द नर्मदा रिवर. कौन सा रिवर डिवाइड करते हैं इन टू पार्ट में? नर्मदा रिवर. ओके. द टू पार्ट्स आर सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ. जो नॉर्थ की तरफ जो हिस्सा है आता है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड एंड जो साउथ की तरफ जो हिस्सा आ रहा है दैट इज़ नोन एज डेक्कन प्लेट्यू. इज दिस मच क्लियर?